हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक नॉनवेज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी बताऊंगी, जो है चिकन कबाब। तो ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, मैं नहीं बनाती हूँ, तो वो दिशा के लिए बना रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो देखिए, ये टेंडर चिकन है, 300 ग्राम है और बोनलेस है। तो इसको छोटे छोटे पीस में काट के अच्छे से धो लिया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो इसमें मसाले डालने के लिए मैंने लिया है, ये है अदरक, लहसुन, हरा धनिया का पेस्ट, चिकन मसाला है और लाल मिर्च मसाला है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और नमक लिया है। और ये एक अंडा डालेंगे, एक डालेंगे इसमें, और ये है 2 बड़े चम्मच मैदा है। तो कॉर्नफ्लोर नहीं था तो नहीं तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा डालते। तो अभी इसको मेरे हस्बैंड मिक्स करेंगे सब। तो देखिए, ये है टेंडर चिकन, बोनलेस चिकन है, 300 ग्राम है। और अगर नॉर्मल चिकन है तो आपको इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना होगा। और ये टेंडर चिकन है तो हम लोग इसको 1/2 घंटे मैरिनेट करके रखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अंडा डालेंगे, अदरक, लहसुन और हरे धनिया का पेस्ट, लाल मिर्च, चिकन मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक। इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। कॉर्नफ्लोर होता तो और अच्छा बनता, पर कॉर्नफ्लोर है नहीं तो मैदा डाले हैं। उसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो ये रेसिपी दिशा को बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड बनाते हैं उसके लिए और अपने लिए भी, मैं नहीं खाती हूँ। तो देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये चम्मच से तो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करना होगा। तो अभी ये मिक्स करके इसको 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, को देखिए अच्छे से मिक्स करना है ऐसे, और इसको 1/2 घंटे के लिए रख देना है। 1/2 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने रख दिया है 1/2 घंटे के लिए। तो देखिए, ये हो गया है, मैरिनेट हो जाता है खूब अच्छे से। तो अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल रख दिया है कढ़ाई में, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे चिकन डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो एक साइड जल जाएगा। तो इसको चलाते हुए पकाना है। तो हम लोगों ने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है यहाँ पे, बस फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, क्योंकि बाद में ऑयल बच जाता है तो फिर कुछ उसमें बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ पे इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है। और ये खाने में बहुत ही जूसी और क्रिस्पी रहता है, तो इसको आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। मैं नहीं खाती हूँ बट मेरी बेटी बहुत खाती है। तो इसको दोनों साइड से अच्छे से पकाना है
इसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो गया है, तो अब इसको निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स खाने में, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा ये, और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने शेयर किया है। दिशा तो बहुत ही अच्छे से खाती है इसको, उसको बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पे काटने पे कितने अच्छे से कट जा रहा है, और अंदर से भी सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार फ्रेंड ज़रूर ट्राई करिएगा। बैंगलोर में ऐसे ही बना के देते हैं चिकन कबाब। तो देखिए एक बार का हो गया है, और दूसरी बार का भी फ्राई कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग पूरा फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं दिशा के लिए ले जा रही हूँ, तो उसको ये बहुत ही पसंद है, तो आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए वो खा रही है, दिशा का फेवरेट है। अभी KFC वगैरह बंद है, तो वो बाहर तो जा नहीं सकती, तो घर में ही बना बना के खा रहे हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, और एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।